नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। तो वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जापानी बुखार ने कुमाऊं में अपने पांव पसार रखे। सुशीला तिवारी अस्पताल में जापानी बुखार से अब तक 3 मौतें हो चुकी है। सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि अब तक 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो चुकी है। जापानी बुखार के लगातार बड़े मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। 7 लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं लोगों को टेस्ट करवाने की भी अपील की गई है ताकि समय पर रहते उपचार हो सके। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ पूरे प्रदेश के लोगों में काफी गुस्सा है। हर जगह प्रदर्शन करते हुए लोग अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं और अपराधियों को सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कल विजयदशमी यानी कि दशहरे के पावन अवसर पर हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र के युवाओं ने देवी मंदिर के सामने भारी संख्या में जमा होकर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और अन्य 2 आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं साथ ही दुराचारी रावण के साथ पुलकित आर्य के पुतले का भी दहन किया गया। कल यानी 7 अक्टूबर से हल्द्वानी के सुंदरम होटल में ग्लैमर एग्जीबिशन का आयोजन होने जा रहा है। एग्जीबिशन गरिमा टंडन और श्रेष्ठी टंडन के द्वारा किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में लोगों को तमाम स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, साथ ही क्लोथिंग से लेकर फुटवेयर तक हर चीज एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेगी। वहीं एग्जीबिशन में मुख्य अतिथि मिसेस भूमिका भंडारी अग्रवाल रहेंगी। ये एग्जीबिशन सुंदरम होटल में 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हल्द्वानी के एक मीडिया सेंटर में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि सेंटर पर मौजूद काफी जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इस दौरान आनन फारन में घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं। वहीं मीडिया सेंटर में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में नशे में धुत एम्बुलेंस चालक ने जमकर दहशत फैलाई। इस दौरान तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने एक बोलेरो वाहन को टक्कर मार दी, जबकि कुछ लोग इस एम्बुलेंस की चपेट में आने से बाल बाल बचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को हिरासत में ले लिया। इससे पहले भी कुछ लोग तेज रफ्तार एम्बुलेंस की चपेट में आने से बच गए थे। गनीमत रही कि इस घटना में समय रहते एम्बुलेंस में कोई नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 53 पवे शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात टीम दमवाडुंगा क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान जानकारी मिली कि सरदार की खोटी के पास एक व्यक्ति दुकान में अवैध तरीके से शराब की बिक्री कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। तलाशी में आरोपी से पवे शराब के बरामद हुए। पूछताछ में अपना नाम हिम्मत सिंह दानू निवासी दमवाडुंगा बताया। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।